गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले में पड़ गए। मतलब इमरान खान पाकिस्तान से अभी अमेरिका के लिए उड़ान भर भी नहीं पाए हैं कि बरसात के मौसम में ओलों की जगह अमरीकी डंडे बरस रहे हैं, वह भी पूरे पाकिस्तान की तसरीफ पर। हाफिज को काबिज करके इमरान खान सोच रहा था कि उसके इस काम से ट्रंप उसे शाबाशी देगा, इनाम देगा, खुश होगा उस पर। लेकिन ट्रंप मेमोरी का पक्का छोरा है, वह नहीं भूला है कि पाकिस्तान ने उसके मुल्क से मदद वसूल कर उसका उल्लू बनाया है और यह पाकिस्तान की मदरसा कौम की बुद्धिमता की शानदार उपलब्धि है जो इन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क को चूना लगा दिया। पर अमेरिका उस चूने को रोगन में बदलकर अब उल्टा इनके चौकटे पर ही पेल रहा है। इस कड़ी में एक बड़ा कदम यह है कि अमेरिका ने तुर्की द्वारा पाकिस्तान को बेचे जाने वाले अटैक हेलीकॉप्टर T-129 अटैक की बिक्री पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इमरान की मुलाकात से महज 3 दिन पहले अमेरिका ने यह सख्त और बड़ा कदम उठाया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पर यह रोक भी आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने के कारण की गई है। T-129 अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका की अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी और तुर्किश एरो स्पेस इंडस्ट्रीज मिलकर कर रही है। 13 जुलाई 2018 को पाकिस्तान ने तुर्की में बने 30 सैन्य हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया था। यह डील $1.5 अरब में हुई थी, मगर अब अमेरिका ने इसमें अड़ंगा डाल दिया है। दरअसल इस हेलीकॉप्टर में अमेरिकी इंजन CTS-800 लगा हुआ है, इसलिए हेलीकॉप्टर को अमेरिका की अनुमति के बगैर बेचा नहीं जा सकता है। T-129 अटैक हर मौसम में काम आने वाला बहुउद्देश्य हेलीकॉप्टर है। यह रात और दिन में समान रूप से गर्म व पर्वतीय स्थलों पर काम कर सकता है। पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रही सहायता और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से नाराज अमेरिका ने उसे हर तरह की सुरक्षा सहायता पर रोक लगा रखी है। बड़ी बात यह है कि भारतीय नेताओं और अधिकारियों ने भी इस सिलसिले में प्रयास लगातार जारी रखे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नाड़े जितना कसते हैं उतने ही टूट जाते हैं। पर चूंकि तुर्की का इस मुल्क से गाढ़ा याराना है, इसलिए अब वह इस हेलीकॉप्टर में पोलैंड या फ्रांस का इंजन लगाने की संभावना पर काम कर रहा है। पर इससे T-129 हेलीकॉप्टर की ताकत तो घट ही जाएगी, पाकिस्तान को होने वाली हेलीकॉप्टर की आपूर्ति में भी देरी आएगी। लेकिन मामला यहां तक नहीं है, भारत सरकार का पूरा अमला जिस तरह पाकिस्तानी तहमदों की गुणवत्ता दुनिया को बता रहा है, अब उसका असर US से होता हुआ UK तक पहुंच गया है। अब ब्रिटेन भी पाकिस्तान की थाली पर हथौड़े बजाने के लिए इसका वजन तोल रहा है। ब्रिटेन ने भी अमेरिका से कदम मिलाया और उसने भी घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सालाना सहायता में उसने कटौती करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि ब्रिटेन ने वर्ष 2013 से 2018 तक पाकिस्तान को £500 बिलियन की भारी मदद दी है। ब्रिटेन द्वारा दी जाने वाली यह मदद पाकिस्तान के गरीबों के उत्थान के लिए दी गई थी, मगर पाकिस्तान ने इस रकम का एक बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ आतंक के रूप में खर्च कर दिया। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के सहायता कार्यक्रम की समीक्षा के बाद पाकिस्तान की मदद पर यह फैसला लिया गया है। मतलब कंगाली में गीला आटा होते हुए तो बहुत सोने देखा होगा, मगर पाकिस्तान की कंगाली में बहता हुआ पहली बार दिख रहा है। बीते वर्ष ब्रिटेन ने पाकिस्तान को विकास कार्यों के लिए £163 बिलियन की सहायता दी थी। यह धनराशि किसी भी देश को दी गई आर्थिक सहायता के मुकाबले पाकिस्तान को सबसे ज्यादा थी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मदरसों से निकली टोपी नस्ल ने लंदन में बच्चों की पैदावार बढ़ाकर यहां तहमदों की बिक्री बढ़ा दी है, जिससे एक बड़ी लोबी भिखारी मुल्क की सहायता करने के लिए वहां की सरकार पर दबाव बनाती रहती है। परंतु भारत द्वारा निरंतर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कार्रवाई के चलते अब ब्रिटेन से भी इस भीखमंगे मुल्क का बोरिया बिस्तर सिमटना शुरू हो गया है। पर यह पाकिस्तान है, भीख पर जिंदा यह मुल्क अठन्नी मिलने पर भी चौराहे पर गधैया नर्तक करने लगता है। कमाल की बात यह है कि यह खुद को परमाणु संपन्न कहता है, यानी परमाणु शक्ति वाले देशों की जमात में शामिल होकर यह उनकी भी तोहीन करा रहा है। मतलब एक ऐसा भिखारी मुल्क जिसके फटे पायजामे से तसरीफ नजर आ रही है और वह धनी देशों से भीख में मिले कुर्ते के बटन को दिखाकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। यह मुल्क फटे पायजामे से झांकती तस्वीर पर उधार का घी लगाकर चिल्लाता है कि दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। लेकिन इन फंटर लोगों को नहीं पता है कि इनका डंका द्वारे द्वारे से भीख मांगने और इस्लामी आतंकवादियों को हीरो मानने की वजह से बज रहा है। इनकी मीडिया खुद सरकारी डंडे के नीचे पड़ी हुई माटी चाट रही है।
इसलिए इन्हें बाहरी दुनिया की सच्चाई का पता ही नहीं है। ये वैसे ही उछल रहे हैं जैसे इनको उछला जा रहा है। मतलब हाइड्रोजन गैस को पीकर हवा में उड़ने के ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान जमीन पर फटने को तैयार है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।